अस्सलाम वालेकुम दुनिया का आखिरी स्मार्ट लगा फिर आपके सामने हाजिर है। हाँ जी, तो ये है कि आज संडे है और आज 2 अक्टूबर है और हमारे लेजेंड किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ, उमर अंकल की बरसी है आज और उन्हें हमसे पिछड़े 1 साल हो चुका है। तो मैंने फिर अब सोचा कि अब मैं ब्लॉग जो है स्टार्ट करूँ और आज का ब्लॉग जो है वो उमर अंकल को हम डेडिकेट करेंगे। तो चलें, ये है कि सबसे पहले अभी जो है मैं उनकी कब्र पर जाऊँगा क्योंकि मैं अब देर तो हो चुकी है, पर फिर भी ये है कि मज़ार पे है तो ये है कि वहाँ पे खुला रहता है मज़ार 12 बजे तक। तो चले, ये है कि पहले वहाँ पे मज़ार पे जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपको बाद में मैं बताऊँगा कि बाद में कहाँ जाना है। तो स्टार्ट में तो सब नहीं बता सकता। तो चले, ये है कि स्टार्ट करते हैं ये ब्लॉग और डेडिकेट करते हैं उमर अंकल को। तो स्टार्ट दी न्यू ब्लॉग। तो ये है कि अपना उमर अंकल की कब्र पे आ चुके हैं। ये थी उमर अंकल की कब्र। अभी ऊपर मज़ार से मैं आया तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा अब करूँ और यहाँ जो अंदर है वो आमिल याकत हुसैन की है कब्र है अंदर, वो भी ये देखते हैं। ये आप देख सकते हैं जो बीच में है वो आमिल याकत हुसैन की है। तो ये है कि आज बरसी थी तो आज का ब्लॉग जो है वो डेडिकेट हम करेंगे। तो उमर अंकल की अभी कब्र पर मैं आया और अब यहाँ से जो है फ्री होने के बाद आर्ट्स काउंसिल जाएंगे, वहाँ पे जितने भी हैं उन सब से तासुरात लेंगे, मतलब उनसे भी बात करेंगे। ये आप देखें, और आप यार ये वीडियो देख रहे हो तो तमाम मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा और उमर अंकल के लिए भी कीजिएगा खास। तो ये है कि थोड़ी देर पहले बहुत रश था यार, अच्छा नहीं लगता कि रश के अंदर ब्लॉग करना, तो इसी वजह से जो है मैं मास्क लगाया हुआ था तो अभी रश कम है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम उमर शरीफ, लेजेंड किंग ऑफ कॉमेडी जिन्हें कहते हैं। तो चलें, ये है क्योंकि उमर अंकल ये मेरे फादर के टाइम पे बहुत सपोर्ट किया हमें, तो अल्लाह पाक इनकी मफरत फरमाए। तो चलें, ये है कि थोड़ी देर के बाद आर्ट्स काउंसिल जाके सबसे मिलते हैं, फिर उसके बाद जो है आपसे बात करते हैं। तो वेट करें, फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो ये है कि अपना उमर अंकल की कब्र के बाद अब आर्ट्स काउंसिल में आया हूँ और एक मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट, 50-50 उनकी पहचान है और उमर अंकल के साथ भी उन्होंने बड़ा काम किया है, तो उनसे सबसे पहले हम उमर अंकल के बारे में पूछते हैं। ये है रऊफ आलम साहब। तो रऊफ भाई, आज उमर अंकल की बरसी है तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई वो तो ऐसा शब्द का मैं पूरी रूम में शामिल हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि कितने बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए हैं कि बरसी के अंदर, अभी भी लोग उनको इतना याद करते हैं और एक साल ऐसा गुजर देते कि हमारे 24 घंटे गुजरे कि पता नहीं चला इनका एक साल गुजर गया, पर इनके लिए मकसद की दुआ करें, बस हम तो यही कहेंगे आपको। बेशक बेशक भाई, ये है कि अपना ये रऊफ आलम साहब थे जो उनके साथ काम कर चुके हैं, हम आर्टिस्ट फीमेल आर्टिस्ट हैं, शायद मेरे ख्याल से उमर अंकल के साथ काम बहुत किया है। वर्दा शान से हाँ। तो आज उमर अंकल की बरसी है तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? उमर भाई के लिए क्या कहेंगे कि उमर भाई जो है वो हमेशा से ज़िंदा थे, हैं और रहेंगे हमारे दिलों में, हमारे जहनों में, हमारे कामों में, क्योंकि उनकी झलक हमेशा आती है और आती रहेगी। उन जैसे आर्टिस्ट ना थे, ना हैं, ना कभी हो सकते। अल्लाह ने एक ही आर्टिस्ट बनाया, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनको उनके दर्जे बुलंद करे, करवट जन्नत कर, मेरी कब्र को आला रोशन कर। आमीन आमीन। हमारे डायरेक्टर साहब हैं और तो उनके भी अभी पाँव में यार फ्रैक्चर हो गया, तो दुआ कीजिएगा उनका भी जो पाँव में जल्द सही हो जाए। करते हैं हमिद भाई, आज उमर अंकल की बरसी है तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ उमर भाई को करवट जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो खिदमत की है, लोगों को इंटरटेन किया है, उनको हंसाया है, तो अल्लाह ताला उनकी इन ख्वाहिशों को भी कबूल फरमाए और अपने से छोटे लोगों के साथ उनका रवैया, उनकी मदद करना, उसको भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। और उनका जो मिशन है कि थिएटर ज़िंदा रहे, तो थिएटर के लिए उनकी ख्वाहिशों को जो है हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। मैं अल्लाह ताला से एक बार फिर दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उमर भाई को
की मफरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। ये है कि भाई अभी और भी जो है वो मिलते रहेंगे, तो उनसे भी हम मिलते रहेंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तो वेट करें। हाँ जी, तो हमारे साथ एक और आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट मौजूद हैं, इसाक राजू हैदराबाद में रहते हैं, उमर अंकल के साथ बड़ा काम किया इन्होंने, तो इसाक भाई से हम मालूम करते हैं, उन्होंने बड़ा काम किया। तो इसाक भाई, उमर अंकल की बरसी है, तो आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। बड़ा अजीब सा लगता है, ये कहते हैं कि उनकी बरसी है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि हम में से गए नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं, अगर याद करते हैं तो तकलीफ से होती है, कोई कहता है कि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके ड्रामे, उनकी यादें, उनकी मोहब्बतें, वो सब हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, जब भी हमने उनके साथ काम किया, बड़ा उन्होंने प्यार दिखाया। तो जो जो आर्टिस्ट हमसे जुदा हुए हैं, हमारे बहुत ज़्यादा सीनियर आर्टिस्ट, उन सबका हमें दुख है, लेकिन वो हमारे दरमियान हैं। अपनी परफॉर्मेंस के साथ उन्हें हमें याद करना होता था, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं और याद करते हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। हमारे सबकी दुआ यही है, आमीन। तो ये थे भाई इसाक भाई हमारे, क्योंकि उमर अंकल के साथ के हैं ये भी, इससे और सलीम अंकल से भी मिलता हूँ मैं, तो फिर आपसे जो है वो बात करता हूँ, तो वेट करें, फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो ये है कि अपना मैं ड्रामा देख रहा था, उसके बाद जो मैं नीचे आया हूँ, और एक आर्टिस्ट हैं जिसने उमर अंकल के साथ बड़ा काम किया है, कमाल इदरीस नाम है। तो कमाल भाई, आज उमर अंकल की बरसी है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ यार, वो एक यूनिवर्सिटी थे फनकारों की, और उनकी कमी तो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी, और उनकी याद तो कभी हम ना सिकंदर सनम की, ना लियाकत सोजर भाई की, ना उमर भाई की, ना मोइन अख्तर साहब की। ये वो लोग थे कि जिनके बदौलत ड्रामे का नाम था, लोग आते थे इनके सिर्फ नाम सुनकर या अखबार में पढ़कर। आज उन सब की कमी महसूस हो रही है, और आज उमर भाई की पहली बरसी, और मुझे फख्र है कि मैंने उमर भाई के साथ 85 से और तकरीबन 2011 तक काम मुसलसल किया। अल्लाह ने जो भी मुझे मेरे नाम है, जो भी शोहरत है, वो उमर भाई की बदौलत। हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सलीम अफरीदी है, चाहे वो शकील सिद्दीकी है, चाहे वो रऊफ लाला है, चाहे वो सिकंदर सनम थे, या कोई भी आर्टिस्ट था, वो सब, वली शेख भी, सब जो है उमर भाई की वजह से पहचाने जाने पहचाने जाते हैं। बेतहाशा फनकार आमिर रैम्बो, हम सब ने बे इंतहा काम किया उमर भाई के साथ, और उनकी कमी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी, और उनकी याद हम कभी भुला नहीं सकते। अल्लाह ताला उनके करवट करवट माफ़ फरमाए, और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप सबका भी, आप लोग भी उमर भाई के लिए दुआ कीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। जी, ये थे कमाल इदरीस भाई, और ये है कि अभी सलीम अंकल का इंटरव्यू चल रहा है, तो सलीम अंकल अपना फ्री होते हैं, तो सलीम अंकल से जो है बात करते हैं। तो चलें सलीम अंकल, आज उमर अंकल की बरसी, तो उसके हवाले से बस ये है कि दुआ किया करें आसाने वालों के लिए, सिकंदर सनम, उमर शरीफ, लियाकत सोल्जर, और जितने आसाने वाले हैं जो दुनिया से कूच कर गए हैं। हमारे बड़े अनोखी चीज़ है, बड़े कीमती लोग चाहिए, लेकिन जो आया है दुनिया में जाना है। अल्लाह तुम्हारे वालिद की भी बख्शिश फरमाए, उनकी दर्जात बुलंद फरमाए, प्लस ये कि उमर भाई की बरसी है, और उस बरसी के हवाले से बेशुमार लोग उनके लिए भी दुआएं कर रहे हैं, हम भी उनके घर पर बरसी में शरीक हुए, फिर यह ट्रिब्यूट के लिए ड्रामा भी पेश किया एम शरीफ का, उसमें आगे भी। तो सिर्फ ये है कि दुआ होनी चाहिए सिकंदर सनम, उमर शरीफ, लियाकत सोल्जर, मोइन अख्तर, इतने आसाने वाले चले गए, अख्तर शिरानी भी एक मिर्ज़ा, और इसके अलावा बेशुमार फनकार जो दुनिया से कूद कर गए, उन सब के अल्लाह में दर्जात बुलंद फरमाए उमर शरीफ की बरसी के सदके में। और तुम भी बहुत तरक्की पाओ अपने बाप का नाम रखें। भाई ये थे अपना सलीम अंकल थे, और परवेश अंकल जो है वो ड्रामा कर रहे हैं आप, परवेश अंकल के पास मुझे बैक स्टेज जाना पड़ेगा, तो चलें चलें। ये है कि आपसे फिर बात कर पाऊँ। हाँ जी, तो ये है कि ड्रामा ख़त्म हो चुका है, और मैं बैक स्टेज आया हूँ परवेश अंकल के पास, चुका है अब इनसे बात कर रहे हैं। तो परवेश अंकल, आज उमर अंकल की बरसी, तो बरसी है और पता भी नहीं चला एक साल कैसे गुजर गया, और ऐसा लगता है कल की बात है, लेकिन वो जितने जितने दिन गुजरते रहेंगे और मजबूती से हमारे दिल में वो ऐसे ही रहेंगे जिस तरीके से शुरू से थे। अभी भी हम समझते हैं कि वो हमारे दरमियान मौजूद है, उसकी वजह ये है कि उनके किए हुए काम इतने मौजूद हैं कि कहीं ना किसी आर्टिस्ट में उनकी खुशबू नज़र आती है। जब तक दुनिया है, जब तक हंसाने वाले, इंशाल्लाह उनकी शबात, उनकी चीज़, उनकी सारी चीज़ें दिखती रहेंगी। अल्लाह ताला उनको बरीक रहमत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जितने भी आर्टिस्ट हैं जो गुजर चुके हैं, कॉमेडियन, उन सबको अल्लाह ताला जन्नत में फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और उनको फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, उसके जज़ा में अजर अज़ीम अता।
हमेशा जब भी आप उनके क्लिप देखें, उनके ड्रामे देखें, या वो आपके फैन में कहीं ना कहीं आ जाएं, हमें या किसी को देखकर उनके लिए ज़रूर दुआ किया करें कि वो दुआओं के बहुत ज़्यादा मुतलाशी है मेरे ख्याल में, तो होना चाहिए, दुआ होनी चाहिए उनके लिए, और दुआ ज़रूरी है, हर किसी के लिए करें, अपनों के लिए जब भी करें तो उनके लिए भी करें, वो भी आपके अपने थे और हमेशा रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो चले जी, ये अपना परवे शंकर थे हमारे साथ, आर्टिस्ट मौजूद है सपना गज़ल, इन्होंने भी मेरे फादर के साथ भी बहुत काम किया, उमर अंकल के साथ ही। तो आज उमर अंकल की बरसी है, तो बता उमर भाई की बरसी, इतनी जल्दी एक साल गुजरा, सबने जाना है लेकिन कुछ लोगों के जाने से खला कभी पूर्ण नहीं। ये बात मैंने सिकंदर के बाद भी कही, मोहिन भाई के बाद भी, लखन सोल्जर के बाद भी, और यही बात उमर शरीफ के बाद, शायद और भी बहुत से लोग जाएँ कि जाना सब नहीं, लेकिन खला नहीं भरते। और हम आज भी उन तमाम लेजेंड्स को अपने दिलों में, अपने जहनों में कैद किए हुए हैं, अब वो आज भी जिंदा हैं हम सब में, सब पब्लिक के दिलों में, दिमागों में, और उनकी यादों में, उनकी दुआओं में। थैंक यू। तो ये एक और आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है और भी हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। महक नूर, तो महक, आज उमर अंकल की बरसी, तो इस हवाले से, उमर भाई की बरसी के हवाले से क्या कहें, उमर भाई के जाने के बाद एक बहुत बड़ा खला, बहुत बड़ा गैप जो है इस फील्ड में आ चुका है, और उनकी जगह डेफिनेटली कोई नहीं ले सकता। उमर भाई, उमर शरीफ साहब, एक बहुत ही खूबसूरत नाम, एक ऐसा नाम जिस नाम ने हमारे प्यारे पाकिस्तान को एक पहचान दी, कॉमेडी के हवाले से हमारे कराची थिएटर को एक पहचान दी, बहुत ही नाम उन्होंने कमाया अपने तर्ज में, खूब मेहनत की, खूब दिल लगाकर हमारे कराची थिएटर का नाम रोशन किया, और उनकी कमी बस हम क्या कह सकते हैं, हम सिर्फ उनके लिए हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उनको बनी की रहमत करे, और अल्लाह पाक से दुआ है कि उनकी तमाम फैमिली को सब्र जमील अता करे, और ऐसे फनकार अल्लाह ताला बस खुद भेजते हैं, कोई फनकार इस तरह का पैदा नहीं होता जिस तरह के उमर भाई खुद हैं। बस मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक को अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे और उनके करवट करवट से नसीब फरमाए। आमीन। तो ये थी महक नूर, और अब हमारे साथ एक ऐसे आर्टिस्ट मौजूद हैं जिन्होंने उमर अंकल के साथ बेताशा करा काम, और मेरे फादर की झलक उनमें हम देखते हैं, और हमें बड़े पसंद है उन, सलीम शेख साहब। सलीम अंकल, आज उमर अंकल की बरसी है, तो क्या कहेंगे? मेरे बच्चे, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और मौला करीम रब्बुल आलमीन जहाँ हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी जिस तरह सिकंदर भाई की होती रही, उसके बाद उमर भाई की कमी महसूस होती रहेगी, हमेशा जिंदा रहेंगे हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में, हमारे वजूद में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करवट करवा सिकंदर भाई को भी, उमर भाई को भी, मौला करीम जन्नत अल-फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए बेटे, उनकी कमी महसूस होती है जो हमेशा होती रहेगी, हमेशा होती रहेगी, ये खला कभी पूरा नहीं होगा, ये खला कभी पूरा नहीं होगा। ये सलीम अंकल थे, और भी आर्टिस्ट थे, इतने तकरीबन लोगों को गया, और कबर पे भी जो हम लोग गए थे, तो चले अभी फिर आपसे बात कर लें। हाँ जी, तो ये है कि अपना उमर अंकल के बचपन के दोस्त हैं, और उमर अंकल के साथ एंड तक रहे, और अभी तक उनकी फैमिली के साथ हैं, तो बड़े अच्छे डायरेक्टर भी हैं, यूनुस मेमन उनका नाम है, तो यूनुस भाई हमारे साथ हैं। यूनुस भाई, आज उमर अंकल की बरसी है, तो उसके जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया समीर बेटा, आप हमारे भतीजे हो, सिकंदर सनम के बेटे हो, अल्लाह ताला उनकी भी मगफरत करे, सिकंदर की भी, वो भी बड़ा करंट एक्टर था, एनर्जेटिक फनकार था, कॉमेडियन सुपर था, उन्होंने भी उमर भाई के साथ बहुत काम किया है, जिस तरह हमने, खैर हमारा तो जूनियर थे सिकंदर, लेकिन उमर भाई से मेरा जो है बिगनिंग साथ रहा है, और बहुत काम किया है हमने, और यूँ समझने के वक्त अच्छा गुजरा है, आखिर तक हॉस्पिटल में भी साथ था, एम्बुलेंस में बिठाया, उसके बाद वापस जब लेने गए जर्मन से, जब मैयत आई तो रिसीव किया बेटों ने, मैंने, तो बस कहते हैं ना कि सबने जाना है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का जायका चखना है, जो आया उसे जाना है, हम भी जाएंगे, बस ये कि अब हमने जो वक्त गुजारा या जैसे किया, या उमर भाई ने, पूरी दुनिया जानती है कि उमर भाई क्या थे, बहरहाल ये तो दुनिया की बात थी, अब वो जिस जहाँ में गए हैं वो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, अब उनको जो हमने भेजना है ना, जो वेल विशेज, वही होगा जो इनको जाने वालों को पल पढ़ के बख्शे, एक सूरह फातिहा, तीन सूरह इख़लास पढ़ें, कुरान का सवाब है, तो ये पाँच मिनट भी नहीं लगते, ये आप चलते फिरते पढ़ते रहें और एक कुरान का सवाब जो है मरहूमीन को पहुँचाते रहें,
और उनके लिए दुआ करें कि पाक परवरदिगार जो इस दुनिया से चले गए हैं, जाकर सोल्जर सिकंदर सना, हमारे उमर भाई, मोइन अख्तर साहब और जितने जो हमारे दोस्त जा रहे हैं, जितने भी दुनिया से चले गए, सबके लिए सिर्फ दुआ पहुँचेगी और दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, जन्नत अल फिरदौस में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनके तमाम घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तो ये अपना यूनुस भाई थे, उमर अंकल के बचपन के साथ के थे, और चलें जी ये है कि अपना और भी अपना आर्टिस्ट है तो उनसे भी जो है मालूम करते हैं, तो फिर बात करते हैं आपसे। हाँ जी, तो ये है कि अपना मैं जो हूँ वो घर आ गया, और यही था एक आज का छोटा सा डेडिकेट ब्लॉग, उमर अंकल को डेडिकेट किया हमने आज का ब्लॉग, क्योंकि उनकी आज बरसी थी और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और बस यही था, और नेक्स्ट मंथ जो है मेरे फादर की भी बरसी है 5 नवंबर को, तो उसका भी ब्लॉग ज़रूर होगा। तो चले, ये है कि यही था एक छोटा सा ब्लॉग, और तकरीबन जो जो आर्टिस्ट मिले और जितने भी डायरेक्टर वगैरह थे उन सब से हमने बात की और उनके कमेंट्स लिए। तो चले, इस ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।